हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट डस्की ब्यूटी। सो आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आप लोगों ने ही मुझसे पूछा है। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स में आते हैं ये क्वेश्चंस कि आप कहाँ शूट करते हो, क्या कौन से रिंग लाइट यूज़ करते हो, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो एंड आपकी पिक्चर क्वालिटी आपके फ़ोन की बहुत अच्छी है, प्लीज़ हमें भी बताओ। सो आज मैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए, ठीक है। सो मैं बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, मैं फटाफट सारा आंसर देने वाली हूँ। एंड जो मैं पहला आपको चीज़ बताने वाली हूँ वो है मेरे रिंग लाइट के बारे में। सो रिंग लाइट जो मैंने परचेज़ किया था वो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, डिजिटेक का। सो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हो, बहुत अच्छी रिंग लाइट है, बहुत प्रोफेशनल रिंग लाइट है। मेरी हल्दी एंड संगीत की जितने भी इवेंट शूट हुए थे वो इस रिंग लाइट में ही शूट हुए हैं एंड बहुत अच्छी रिंग लाइट है ये। सो ये तो हो गया हमारे रिंग लाइट के बारे में एंड इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, आप जहाँ वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड दूसरा है हमारा फ़ोन, कि मैं फ़ोन कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ आईफोन 12 मिनी एंड मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर आप इसे लाइट नेचुरल लाइट में शूट करोगे तो ये और अच्छा इफ़ेक्ट देता है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका कैमरा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए, आप रूम के अंदर मत बनाइए, रूम के अंदर बनाइए तो आप रिंग लाइट का यूज़ करिए। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अगर आप वीडियोज़ बना रहे हो तो आप बाहर नेचुरल लाइट में बनाओ, ताकि जो नेचुरल लाइट रहती है ना उससे कैमरे की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, जैसा मुझे लगता है। एंड मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे शूट करती हूँ, मैं कहाँ रखती हूँ अपना कैमरा। सो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सेटअप नहीं किया हुआ है मैंने, बहुत सिंपल सी, देखिए मेरी एक चेयर है, मैं ये चेयर पर बैठती हूँ एंड बहुत सिंपल सा सेटअप है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके सेटअप से ज़्यादा आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को बहुत यूज़फुल लगना चाहिए वो कंटेंट, ऐसा मुझे लगता है। एंड सेटअप तो होना ही चाहिए, फ़ोन तो ज़रूरी है। एंड रिंग लाइट अगर आप दिन में बनाते हो ना तो आपको रिंग लाइट की भी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, बट कभी कभी हम रात में भी शूट करते हैं एंड इनडोर भी शूट करते हैं तो हमें रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आप ये रखोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कैमरे की बात हो गई, मैं आईफोन 12 मिनी यूज़ करती हूँ, रिंग लाइट में यूज़ करती हूँ डिजिटेक का। एंड अब आते ही है बारी मैं कहाँ शूट करती हूँ। सो मैं शूट करती हूँ, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ये देखिए ये है मेरी रिंग लाइट, ठीक है, वो है मेरी बालकनी एंड ये है मेरी चेयर। जस्ट मैं ऐसे ही बैठ के शूट करती हूँ और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया हुआ है, कोई लाइट नहीं है मेरे पास, तो इनफैक्ट माइक भी नहीं है, बट आप माइक ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, बट आईफोन का जो माइक है वो बहुत अच्छा है। सो मैं माइक भी नहीं लिया मैंने, बट मैं माइक ले सकती हूँ, किया हुआ है, मैं सिंपल सा रखती हूँ सारी चीज़ें, मुझे रखना पसंद है। एंड दैट्स इट, यही है मेरा छोटा सा यूट्यूब का सेटअप एंड बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना एंड बहुत सारा प्यार दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, एक लाइक ज़रूर दो, कमेंट करके बताओ मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे टॉपिक पे लाने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, आप लोग को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं लाने वाली हूँ कोलैबोरेशन के टॉपिक पे, मैंने पर्सनली जो फील किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ उस वीडियो में। सो डेफिनेटली प्लीज़ उसको भी चेक करना एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक दे दो, बाय बाय।